किसानों को अपने खेत में यूरिया डालने के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और उसके बावजूद मिलता है तो उसे यूरिया का एक या दो बैग। लेकिन हम लोग इस वक्त यमुनानगर के शादीपुर में मौजूद हैं, जहां तस्वीरों में देखिए कि हज़ारों ये यूरिया के बैग हैं जो कि इल्लीगल तौर पर यहां पर लाए गए थे। तस्वीरों में देखिए कि ये अलग अलग कंपनी के बैग्स जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। अधिकारी इस यूरिया को उत्तर प्रदेश से यहां पर आने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये ट्रैक्टर ट्रैली है, ऊपर से नीचे तक लोड है, पिकअप है, वो फुली लोडेड है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में एक सीमा है, यहाँ पर पुलिस भी तैनात होती है और तरह तरह के अधिकारी भी। लेकिन उनके वहाँ पर मौजूद होने के बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में ये यूरिया कहाँ तक कैसे पहुँच गया, ये बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं इस यूरिया के पीछे लोकल अधिकारियों की मिलीभगत नहीं, जो सीधा यूरिया ऐसे गोदामों पर पहुँच रहा है। बड़ी बात तो ये है कि यह यूरिया यहाँ से यमुनानगर की तमाम उन प्लाई बोर्ड फैक्ट्रियों में जाता है जो ग्लू बनाकर उन्हें प्लाई में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल लोकल अधिकारियों पर उठ रहा है कि उन्हें इस गोदाम की जानकारी नहीं और सेंटर की टीम यहाँ आकर रेड कर इस पूरे गोदाम और गाड़ियों को जब्त कर रही है। तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 24, यमुनानगर।